तो हेलो एवरीवन, मैं आसकृत तिवारी, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, MP कैडर, अन अकेडमी एजुकेटर पोर्टल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि अन अकेडमी के द्वारा सभी लर्नर्स को एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है। और यदि मेरा रेफरल कोड की बात करें तो मेरा रेफरल कोड है अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर AT10LIVE, AT10 यानी AT10LIVE है। इसका उपयोग करके जो लर्नर्स हैं वह प्लस कोर्स यदि ज्वाइन करते हैं तो सब्सक्रिप्शन में छूट मिलेगी। अनअकैडमी का क्या महत्व है? यह एक उपयोगी लर्निंग प्लेटफॉर्म है, सभी लर्नर्स को मालूम है। इसके बहुआयामी लाभ हैं। यदि हम प्लस कोर्स की क्लास की बात करें तो प्लस क्लास मेरी फिजिकल एंड वर्ड ज्योग्राफी की मॉर्निंग में होती है, मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग में 10 to 11:30, 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक होती है। आगे मेरी क्लास जो होगी वो 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक होगी, यानी 10 जनवरी से मेरी क्लास जो होगी फिजिकल एंड वर्ड ज्योग्राफी की, वह मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर के और 12 बजे तक होगी। तो उसमें यदि कोई लर्नर ज्वाइन करना चाहें तो मेरा रेफरल कोड कैपिटल अंग्रेजी के अक्षर AT10LIVE यूज़ करके सब्सक्रिप्शन में छूट प्राप्त कर सकते हैं। फ्री क्लास भी मेरी आगे शेड्यूल होने वाली है तो मैं उसको अनाउंस कर दूंगा। फिर मेरी ज्योग्राफी की क्लास ये जो है फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की, वह 1 फरवरी 2022 तक चलेगी। 2 फरवरी 2022 से यानी 2 फरवरी 2022 से मेरी क्लास जो होगी वह इंडियन ज्योग्राफी की शुरू हो जाएगी। तो लर्नर्स उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो सब्सक्रिप्शन में छूट मिलेगी, या अन्य किसी एजुकेटर का भी रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो छूट मिल सकती है। अन अकेडमी के एडवांटेज जो हैं वो भी ऑलरेडी सभी लर्नर्स को मालूम है, और इसके बेनिफिट्स जो हैं सब्सक्रिप्शन के वो भी सबको मालूम है। इसके बहुआयामी बहुउपयोगी बेनिफिट्स हैं जो कि साइट स्क्रीन पर दिखाया गया है। गुरु मार्गदर्शन भी जो अनुभवी एजुकेटर हैं उनके द्वारा दिया जाता है, प्रत्येक मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को, यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम को फ्री मॉक टेस्ट होता है जो कि टॉप एजुकेटर के द्वारा दिया जाता है अनअकैडमी में, तो जो कि MPPSC प्रीलिम्स के लिए काफ़ी उपयोगी होगा क्योंकि इसमें फ्री मॉक टेस्ट करवाया जाता है। तो चलिए, आज की क्लास जो है यह है मेरी मध्य प्रदेश में शासन और प्रशासन की जो व्यवस्था है, क्योंकि हम क्विक रिवीजन की क्लास कर रहे हैं MPGK की, इसमें हम मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट और प्रशासन की संरचना के विषय में, यानी गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश की चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश जैसा कि मालूम है कि 1 नवंबर 1956 को वर्तमान मध्य प्रदेश अपने अस्तित्व में आया था राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुशंसा के पश्चात, और फिर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ इससे अलग हो गया था। यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश राज्य जो है उसको नाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था, और मध्य प्रदेश जो है वैसे इसकी गठन के पहले यानी 1 नवंबर 1956 के पहले मध्य प्रदेश की काफ़ी लंबी यात्रा रही है शासन और प्रशासन की दृष्टि से। जैसा कि विदित है कि मध्य प्रदेश जो है वो प्राचीन काल में भी इसका अस्तित्व था, और मध्य प्रदेश जो था ये मौर्य काल, गुप्त काल से भी पहले अस्तित्व में रहा, लेकिन वर्तमान ये राज्य के रूप में नहीं था, कई छोटे छोटे इसमें भाग थे जिसमें बटा हुआ था। और यदि हम जनपद काल, महाजनपद काल जो है यानी 6वीं शताब्दी BC में मध्य प्रदेश में दो जो थे महाजनपद थे, एक अवंती महाजनपद जिसकी राजधानी उज्जैनी थी और एक जो थी तो चेरी महाजनपद था जिसकी राजधानी जो थी वो श्रावस्ती थी। तो इस प्रकार दो जनपद थे इसमें महाजनपद मध्य प्रदेश में, और जो चेरी डायनेस्टी थी, चेरी महाजनपद था, उसका जो क्षेत्र था बुंदेलखंड में था, और अवंती जिसकी राजधानी जैसा कि मैंने बताया अवंती थी, और बाद में उसकी राजधानी महिष्मत भी हो गई थी। अवंती के दो भाग थे, एक की राजधानी जो थी
वह उज्जैनी थी और दूसरी की राजधानी जो थी वो महिष्मती थी। और यदि वर्तमान मध्य प्रदेश की बात करें, जिसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, तो उस समय मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था वह राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुशंसा के आधार पर हुआ था। और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना। उसके पश्चात मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जो हुआ वो वर्ष 1957 में हुआ। और 1957 में जब मध्य प्रदेश में पहला चुनाव हुआ, उस समय मध्य प्रदेश में विधानसभा की 288 सीटें थीं, जिसमें अनुसूचित जात के लिए 43 सीट थी, रिजर्व तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 54 सीटें थीं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें 1976 में बढ़ करके 296 हो गई और फिर 1999 में विधानसभा की सीटें बढ़ करके 320 हो गई। और जैसा कि विदित है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया और फिर मध्य प्रदेश में जो सीटें बची विधानसभा की वह 230 बची, जो कि वर्तमान में भी है। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश में वर्तमान में 230 विधानसभा की सीटें हैं। और एक सीट जो है एंग्लो इंडियन का, वह महामहिम राज्यपाल के द्वारा जो है उसको नियुक्त किया जा सकता है, नामांकित किया जा सकता है एक व्यक्ति को, यदि एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व जो है विधानसभा में कम हो। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश की जो है प्रशासनिक यात्रा और शासन की यात्रा काफ़ी पुरानी रही है। यदि हम मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में जो प्रशासन का केंद्र बिंदु है वह मध्य प्रदेश का बल्लभ भवन है, जिसको कि मंत्रालय कहते हैं, जो कि भोपाल में स्थित है। और बल्लभ भवन अरेरा हिल्स पर स्थित है और इसमें प्रमुख जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वे चीफ सेक्रेटरी होते हैं। मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश राज्य जो है वर्तमान में जो है 10 संभाग यानी 10 डिवीजन में बटा है और इसमें 52 जिले हैं। और प्रशासनिक इकाई के रूप में विकास खंड है यानी जनपद पंचायत जिसे कहते हैं, और तहसीलें हैं। तहसील जो है राज्य शासन की प्रशासनिक इकाई होती है, जबकि विकास खंड जो है वह केंद्र सरकार की प्रशासनिक इकाई होती है, जैसा कि आपको विदित है। तो इस प्रकार राज्य जो है संभाग में बटा है, संभाग जो है जिले में, और 10 संभाग 52 जिले हैं, और विकास खंड जो है 313 है, और फिर तहसीलें हैं। विकास खंड जो होता है वो ग्राम पंचायतों का समूह होता है और तहसीलें जैसा कि विदित है कि ये गाँव के समूह होती हैं। और मध्य प्रदेश में जो 10 डिवीज़न है, तो जैसा कि चित्र में दिखाया भी गया है, विदित भी है कि सबसे उत्तर में चंबल डिवीज़न है जिसका मुख्यालय मुरैना है, फिर ग्वालियर डिवीज़न है जिसका मुख्यालय ग्वालियर है, सागर डिवीज़न है जिसका मुख्यालय सागर है, रीवा डिवीज़न है जिसका मुख्यालय रीवा है, शहडोल डिवीज़न जिसका मुख्यालय शहडोल है, जबलपुर डिवीज़न जिसका मुख्यालय जबलपुर है, नर्मदापुरम डिवीज़न जिसका मुख्यालय होशंगाबाद है, उज्जैन डिवीज़न जिसका मुख्यालय उज्जैन है, और इंदौर संभागिया डिवीज़न जिसका मुख्यालय इंदौर है। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश में 10 संभाग है और 52 जिले हैं। यदि हम जिलों की बात करें तो 1999 में जिले बढ़ करके जो थे वह 61 हो गए थे, लेकिन जब 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो 16 जिले जो हैं वो छत्तीसगढ़ में चले गए, फिर 45 जिला मध्य प्रदेश में बचा, फिर 2003 में जो है 3 जिले और बढ़ गए तो जिलों की संख्या 48 हो गई, और फिर 2008 में जो है जिले बढ़ करके जो है 50 हो गए, और फिर 2013 में आगर मालवा बन गया, और 2018 में जो लास्ट जिला है जो कि 2018 में बना वो निवाड़ी है। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक इकाई के रूप में जो होता है जिले में प्रमुख अधिकारी कलेक्टर होते हैं, और राजस्व का सब डिवीज़न भी होता है जिसके प्रशासनिक इकाई उपखंड अधिकारी होते हैं। विकास खंड में जो प्रशासनिक अधिकारी वो जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते हैं और जिनको कि CEO जनपद पंचायत कहते हैं। तहसीलें 376 थी, ये बढ़ती रहती हैं तहसीलें समय समय पर। यदि हम देखें तो चंबल डिवीज़न यानी चंबल संभाग में 3 जिले हैं जिसका मुख्यालय मुरैना है। चंबल डिवीज़न में शिवपुर, जिसे शिवपुर कला भी कहा जाता है, मुरैना और भिंड जिला है। शहडोल डिवीज़न में भी 3 जिले हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। नर्मदापुरम डिवीज़न में, जिसका मुख्यालय होशंगाबाद है, नर्मदापुर डिवीज़न यानी संभाग में होशंगाबाद, बैतूल और हरदा जिला है।
ग्वालियर संभाग में 5 जिले हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया। भोपाल संभाग का मुख्यालय भोपाल है, राजधानी का भी राजधानी भी है ये राज्य की, लेकिन भोपाल संभाग का भी मुख्यालय भोपाल है। और भोपाल संभाग में 5 जिले भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा है। सागर संभाग में 6 जिले हैं, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। उज्जैन संभाग में 7 जिले हैं, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच और आगरमालवा। इंदौर संभाग में 8 जिले हैं, इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगांव, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर। जबलपुर संभाग में 8 जिले हैं, जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी। डिंडोरी पहले शहडोल संभाग में था, लेकिन वर्तमान में चूँकि ये मालवा का महाकौशल का क्षेत्र में ही स्थित है, इसीलिए डिंडोरी बाद में जबलपुर संभाग में आ गया। और रीवा डिवीज़न में रीवा संभाग में 4 जिले हैं, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। यदि हम इतिहास की बात करें तो मध्य प्रदेश, जैसा कि मैंने बताया कि स्वतंत्रता के पहले भी ये छोटे छोटे इसमें रियासतें थीं, और यदि मुख्य भाग देखें हम तो CPN बरार था स्वतंत्रता के पहले। CPN बरार जिसकी राजधानी जो थी, यानी CPN बरार एक स्टेट था जिसकी राजधानी नागपुर थी, और इसमें छत्तीसगढ़ और महाकौशल का भी क्षेत्र था। फिर मध्य भारत था जिसकी राजधानी इंदौर और ग्वालियर हुआ करती थी। गर्मी के दिनों में मध्य भारत की राजधानी इंदौर होती थी और सर्दी के दिनों में ग्वालियर होती थी। और जो मध्य भारत था वह कई उसमें और भी रियासतें थीं। फिर विंध्य प्रदेश भी था जिसकी राजधानी रीवा थी और उसमें और भी रियासतें थीं और भोपाल स्टेट थी। 3 श्रेणियों में इस प्रकार स्वतंत्रता के पश्चात जो है, जब नया मध्य प्रदेश बना, उसके पहले 3 श्रेणियों में जो राज्य थे, एक जो था ए श्रेणी के राज्य था जिसमें CPN बरार आता था, बी श्रेणी में मध्य भारत और उसमें रियासतें थीं, और सी श्रेणी में विंध्य प्रदेश और जिसकी राजधानी रीवा थी और भोपाल रियासत। तो इस प्रकार ABC 3 पार्ट मिलकर के नया मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बना, और 1 नवंबर 2000 को, जैसा मैंने बताया, छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गया मध्य प्रदेश से। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले और 10 संभाग हैं। फिर इसके अलावा मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतें हैं और इसमें म्यूनिसिपल बॉडीज भी है, नगर पालिका से संबंधित बॉडी है, नगर निगम सबसे बड़ा, नगर पालिक निगम जिसे कहते हैं, फिर नगर पालिका परिषद और फिर नगर परिषद। तो इस प्रकार 3 श्रेणी नगरीय निकायों में भी है, और ग्रामीण जो निकाय हैं उसमें भी 3 निकाय हैं, एक तो है जिला पंचायत, दूसरा जनपद पंचायत और तीसरा ग्राम पंचायत, यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था मध्य प्रदेश में 1993-94 से लागू है। मध्य प्रदेश में 5 बार ग्राम पंचायतों के, यानी पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं, और नगर पालिका, नगर निगम के भी चुनाव हो चुके हैं। चंबल डिवीज़न की यदि हम विशेषता की बात करें तो ये यहाँ पर लोएस्ट सेक्स रेशियो देखने को मिलता है भिंड जिले में। चंबल डिवीज़न के एक जिला जो भिंड है, जिसमें सबसे कम जो सेक्स रेशियो देखने को मिलता है, और अनुसूचित जनजाति का सबसे कम पॉपुलेशन जो है, सबसे कम जनसंख्या भी भिंड जिले में है। और भिंड जिले के यदि प्रसिद्ध स्थान की बात करें तो मालनपुर में जो औद्योगिक क्षेत्र है, मालनपुर, यह भिंड जिले में प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है, और सरसों का उत्पादन जो होता है भिंड जिले में अधिक होता है। और भिंड जिले के महत्वपूर्ण स्थानों की बात करें तो रेणुका माता मंदिर और गोहद कैस्टल जो है, ये भिंड का प्रसिद्ध है। फिर मुरैना है, यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी कला केंद्र स्थित है, और रॉक पेंटिंग पहाड़गढ़ का, ये भी मुरैना जिले में ही है। और मध्य प्रदेश का प्रथम सीमेंट कारखाना, वह भी मुरैना जिले के बामौर में 1922-23 में स्थापित हुआ था, जो कि ACC कंपनी का सीमेंट फैक्ट्री था। तो इस प्रकार मुरैना जिला, मुरैना में जो है चंबल घड़ियाल जो है अभ्यारण्य भी है, वह भी जो है पूरे भारत में प्रसिद्ध है,
और चंबल नदी जो है वह मुरैना के सीमा से निकलती है। फिर शिवपुर जिला है जो कि मुरैना से अलग होकर के बना था, और कूनो पालनपुर, पालमपुर जो नेशनल पार्क है, कूनो पालपुर नेशनल पार्क, ये शिवपुर जिले में है। और सहरिया जनजाति जो होती है, जो कि एक प्रिमिटिव ट्राइब है, वह भी शिवपुर जिले में स्थित है, पाई जाती हैं। और शिवपुर के यदि महत्वपूर्ण यदि कुछ विषय वस्तुओं को देखें तो शिवपुर जो है वह महत्वपूर्ण एक कवि जो हुए हैं मुक्तिबोध, उनका जन्म स्थान भी है। और लकड़ी के खिलौने के लिए भी शिवपुर कला प्रसिद्ध है। यदि हम रीवा डिवीज़न की बात करें, जिसका मुख्यालय रीवा है और वह जिला मुख्यालय भी है, तो रीवा जो है वहाँ का वाटरफॉल जो है यानी जलप्रपात चचाई, वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। उसके अलावा केवटी और पूर्वा और बहुती, ये भी जलप्रपात रीवा जिले में है। और सुपारी के यदि खिलौने की बात की करें तो रीवा जिले में सुपारी के खिलौने होते हैं। और रीवा जो है वह सफ़ेद बाघ के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। और मोहन जो एक बाघ था, वह जिस पर जो है भारत सरकार द्वारा टिकट भी जारी किया गया था, तो मोहन बाघ भी सफ़ेद बाघ था जिसका संबंध रीवा से रहा है, यानी रीवा का संबंध जो है वह सफ़ेद बाघों से रहा है। सतना जिला जो है ये भी महत्वपूर्ण है, और सतना जिले में महत्वपूर्ण जो दो स्थान हैं, एक तो शारदा देवी मंदिर जो है मैहर का और चित्रकूट, ये प्रसिद्ध है। फिर राम वन भी सतना जिले में है, और मुकुंदपुर जो वाइट टाइगर सफारी है ये भी सतना जिले में है, लेकिन वह रीवा से नज़दीक है। रीवा संभाग का तीसरा जिला सीधी है, और यहाँ पर संजय गांधी नेशनल पार्क है और बगदरा सेंचुरी है। सिंगरौली जो है, जो कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहलाती है, एनर्जी कैपिटल के रूप में इसकी पहचान है, और माड़ा की गुफाएं सिंगरौली जिले में ही है। और सिंगरौली जो है NCL यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय भी है, जो कि कोल इंडिया के अंतर्गत आता है। तो NCL जो है उसका मुख्यालय सिंगरौली में है। और NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का जो पावर प्लांट है वह भी सिंगरौली में स्थित है। फिर भोपाल डिवीज़न की बात करें तो भोपाल चूंकि राज्य की राजधानी भी है, और भोपाल जो है वह राजा भोज की भी राजधानी रही है, तो भोपाल में यदि महत्वपूर्ण स्थानों की बात करें तो भोपाल जो बड़ा बड़ी तालाब है, बड़ा झील जो है वो प्रसिद्ध है। IIFM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ISER, आईसर, यह भी भोपाल में स्थित है। नेशनल जुडिशियल एकेडमी, यह भी भोपाल में, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके प्रशिक्षण पूरे देश में केवल भोपाल में होता है, जो कि नेशनल जुडिशियल एकेडमी में होता है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी जो है, फिर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, यह भी भोपाल में स्थित है। और भोपाल में सबसे महत्वपूर्ण जो है कला के क्षेत्र में जो भवन है वो भारत भवन है। वन विहार भी भोपाल में स्थित है, और ताजुल मस्जिद जो कि न केवल भारत बल्कि एशिया में प्रसिद्ध है, वह भी भोपाल में है। और BHEL भी, उसका मुख्यालय भी BHEL का भोपाल में है, तो भोपाल में BHEL भी स्थित है। फिर भोपाल संभाग का एक जिला सीहोर है, और चिंतामन गणेश टेम्पल जो है सीहोर का प्रसिद्ध है। फिर सलकनपुर जो दुर्गा मंदिर है वह भी सीहोर जिले में है। और गेहूं की पैदावार सीहोर में काफ़ी अधिक होती है, और सरबती एक अच्छी गुणवत्ता की गेहूं है जो कि विदिशा और सीहोर जिले में होता है। भोपाल संभाग का एक जिला रायसेन है, जो जिसमें जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत की सांची स्तूप और भीमबेटका, ये दोनों रायसेन जिले में ही स्थित है। और जो मंडी द्वीप है औद्योगिक केंद्र, जो कि भोपाल से लगा है, भोपाल के समीप है, लेकिन वह रायसेन जिले में स्थित है। जो तीसरा, जो चौथा जिला जो है विदिशा भोपाल संभाग का, जहाँ पर उदयगिरी केव है और गरुड़ स्तंभ भी है। और विदिशा जिला भी जैसा कि मैंने बताया वह सरबती गेहूँ के लिए प्रसिद्ध है। फिर राजगढ़ भी भोपाल संभाग का जिला है, और राजगढ़ की चिंदी खोल जो है झील प्रसिद्ध है, और माचलपुर की बावड़ी जो है वह भी राजगढ़ जिले में ही है।
फिर ग्वालियर संभाग की बात करें, जिसका मुख्यालय ग्वालियर है और जिला मुख्यालय भी है ग्वालियर, तो ग्वालियर का जो फोर्ट है, किला है, वह काफ़ी प्रसिद्ध है। और ग्वालियर के किले को जो है, इसके कारण ग्वालियर को भारत का जिब्राल्टर भी कहा गया है। और मध्य प्रदेश राज्य का जो राजस्व तथा अकाउंटेंट जनरल का जो हेड ऑफिस है, वह भी ग्वालियर में स्थित है। एजी का भी हेडक्वार्टर ग्वालियर में है और राजस्व मंडल भी ग्वालियर में स्थित है। महिलाओं के लिए जो एनसीसी ट्रेनिंग सेंटर है, वह भी ग्वालियर में स्थित है। और राजमाता राजे विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय भी, जो कि 2008 में बना था, ये भी ग्वालियर में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई जो स्पोर्ट्स कॉलेज है, वो भी ग्वालियर में स्थित है। और तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में स्थित है। सीआरपीएफ और बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर भी ग्वालियर में होता है। तो इस प्रकार ग्वालियर जो है, वह काफ़ी महत्व रखता है पूरे मध्य प्रदेश में और भारत में भी। फिर ग्वालियर डिवीज़न का, ग्वालियर संभाग का एक ज़िला शिवपुरी है, और शिवपुरी को मध्य प्रदेश का पहला जो है टूरिस्ट टाउन डिक्लेयर किया गया था। और शिवपुरी में सुल्तानगढ़ जो है जलप्रपात है, अटल सरोवर बांध भी शिवपुरी ज़िले में है, और सोन चिड़ैया जो है उसके लिए जो करेरा सेंचुरी है, वो भी शिवपुरी ज़िले में है। और प्रसिद्ध माधव नेशनल पार्क जो है, वह भी शिवपुरी ज़िले में स्थित है। फिर ग्वालियर डिवीज़न का एक ज़िला गुना है, जिसे हम गेटवे ऑफ मालवा भी कहते हैं। गेटवे ऑफ मालवा एंड चंबल, यानी मालवा का और चंबल का द्वार भी गुना को कहा जाता है। और गुना में जो है गेल फैक्ट्री स्थित है, गेल लिमिटेड स्थित है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दोनों गुना में स्थित है। और गुना का जो विजयपुर है, वहाँ गेल के जो है इस्टेब्लिशमेंट है। और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट सेंटर भी गुना में स्थित है। गुना से अलग होकर के एक और ज़िला बना था ग्वालियर डिवीज़न का, वो है अशोकनगर। और अशोकनगर का तिरकाल जो है 24 जैन टेम्पल, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। और तुमेन का जो शिला लेख है गुप्त काल का, वह भी अशोकनगर ज़िले में है। और मध्य प्रदेश राज्य का पहला ओपन जेल भी, खुला जेल, ये अशोकनगर में स्थापित किया गया था, मुंगावली में, जो कि अशोकनगर ज़िले में है। तो मुंगावली में मध्य प्रदेश का पहली खुली जेल स्थापित की गई थी, जो कि अशोकनगर ज़िले में है। गुना संभाग का एक और ज़िला दतिया है, जिसे हम मिनी वृंदावन भी कहते हैं। और पीताम्बरा शक्तिपीठ भी ये दतिया में है। फिर रतनगढ़ वाली माता मंदिर भी दतिया में स्थित है। और सतखंड महल और गुर्जर शिलालेख, इसका भी संबंध दतिया से रहा है। फिर उज्जैन डिवीज़न, उज्जैन संभाग जो है, और उज्जैन जैसा कि विदित है, न केवल मध्य प्रदेश का बल्कि पूरे भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक रहा है। और यदि हम बात करें तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक उज्जैन ज़िले में ही पाई जाती है। चूँकि उज्जैन डिवीज़न का एक ज़िला उज्जैन है, तो उज्जैन में सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। और देश का यानी भारत का पहला जो है नॉलेज सिटी, ज्ञान नगर के रूप में उज्जैन की पहचान है। उज्जैन जो है, वह कुंभ मेला भी वहाँ पर लगता है। और विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर भी उज्जैन में ही स्थित है। और इसके बाद हरसिद्धि मंदिर तथा संदीपनी आश्रम, ये भी उज्जैन में स्थित है। फिर उज्जैन संभाग का एक ज़िला देवास है, और देवास जो है, ये बायोडीजल डिस्ट्रिक्ट भी डिक्लेयर है। और करेंसी नोट का जो प्रेस है, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है करेंसी नोट प्रेस के लिए, वह देवास में स्थित है। और मध्य प्रदेश का जो चमड़ा यानी लेदर कॉम्प्लेक्स जो है, वह देवास को में ही स्थापित है। और मध्य प्रदेश का पहला ISO सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन भी देवास में स्थित है। फिर
रतलाम है जिसे हम ग्रेप सिटी भी कहते हैं, और ग्रेप रिसर्च सेंटर जो है और शुगर मिल दोनों रतलाम में स्थित है। उज्जैन डिवीज़न का एक ज़िला मंदसौर भी है, और यहाँ का जो पशुपतिनाथ मंदिर है काफ़ी प्रसिद्ध है, और हिंगोरिया वाटरफॉल ये भी मंदसौर में है, और गांधी सागर डैम भी ये भी मंदसौर में स्थित है। मंदसौर से अलग होकर के एक ज़िला बना था नीमच, और नीमच जो है वह बाबा शहाबुद्दीन औलिया उर्स के कारण भी प्रसिद्ध है, और गढ़वा मंदिर और ओपीएम की जो है फैक्ट्री भी यहाँ पर स्थित है अफीम की। फिर एक आगर मालवा ज़िला है जो कि शाजापुर से अलग होकर के बना था, जो कि उज्जैन डिवीज़न में है, और आगर मालवा का बैजनाथ महादेव मंदिर प्रसिद्ध है, मोती तथा रत्न सागर तालाब भी आगर मालवा में है, और केवड़ा स्वामी महादेव मंदिर भी आगर मालवा ज़िले में है। शाजापुर जो है वह पांडुखो वारसी दरगाह जामा मस्जिद जो कि हैदर अली द्वारा बनवाया गया था उसके कारण प्रसिद्ध है। इंदौर डिवीज़न में जैसा कि मैंने बताया था पहले 8 ज़िले हैं जिसमें एक ज़िला स्वयं इंदौर भी है, और इंदौर ज़िला जो है वह काफ़ी प्रसिद्ध है, मालवा का यह क्षेत्र है, और राजवाड़ा यहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध है, और मराठा जो क्षत्रिया हैं वह भी इंदौर की प्रसिद्ध है, और इंडस्ट्रियल और स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश की औद्योगिक एवं खेल की राजधानी के रूप में भी इंदौर की पहचान है, यानी बिजनेस का हब है मध्य प्रदेश का इंदौर, और IIM और IIT दोनों इंदौर में है। धार भी जो है इंदौर डिवीज़न में है, और यहाँ की बाघ की गुफाएँ और मांडू मंदिर, ये काफ़ी मांडू जो यहाँ का टूरिस्ट प्लेस है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। फिर झाबुआ भी इंदौर डिवीज़न में है ज़िला, और भगोरिया हाट जो है ये झाबुआ में आयोजित होता है, और कड़कनाथ जो मुर्गा है जिसे GI टैग मिला है उसका भी संबंध झाबुआ से रहा है। फिर अलीराजपुर जो है वह भी झाबुआ से अलग होकर के एक ज़िला बन गया था, और अलीराजपुर में चंद्रशेखर आज़ाद की जो है जन्मस्थली है अलीराजपुर। फिर बुरहानपुर भी एक ज़िला है जो जिसका असीरगढ़ किला जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, मुगलकालीन किला है असीरगढ़ में जो कि बुरहानपुर ज़िले में है, और बुरहानपुर को गेटवे ऑफ साउथ यानी दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है। फिर एक बड़वानी ज़िला है इंदौर डिवीज़न का, और बड़वानी का जो जलगांव बावड़ी 52 गज जैन तीर्थ स्थल, सेधवा का किला और आदिनाथ की जो मूर्ति है वह काफ़ी प्रसिद्ध है। फिर खंडवा जो है जिसको कि पूर्वी निमाण कहा जाता है, खंडवा में प्रसिद्ध ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और एक ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में जैसा कि मैंने बताया कि उज्जैन में भी है। फिर हनुमंतिया वाटर टूरिज्म सेंटर भी खंडवा ज़िले में है हनुमतिया नामक स्थान पर। फिर खरगोन ज़िला यह भी इंदौर डिवीज़न में है, और खरगोन जो है जैसा कि विदित है पश्चिमी निमाड़ के नाम से भी जाना जाता है, और नौगढ़ मंदिर और बाजीराव की समाधि ये दोनों खरगोन ज़िले में है। जबलपुर डिवीज़न का जो है मुख्यालय जबलपुर है, और ज़िला मुख्यालय भी है जबलपुर, और जबलपुर ज़िला स्थित जो भेड़ा घाट है वह सफ़ेद संगमरमर चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है, और वहाँ से नर्मदा नदी जो है काफ़ी जो है सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती है। तो भेड़ा घाट प्रसिद्ध स्थल है जो कि जबलपुर डिवीज़न में है। रानी दुर्गावती की समाधि भी जबलपुर में है, और 64 जोगिनी मंदिर भी ये जबलपुर में स्थित है। फिर कटनी ज़िला है जबलपुर डिवीज़न का जो कि जबलपुर से अलग होकर के बना था, और कटनी जो कि चूना पत्थर ज़िले के रूप में प्रसिद्ध है, और विजय राघवगढ़ का किला जो है यह भी कटनी ज़िले में है, और कटनी जो है सीमेंट और लाइम स्टोन के लिए प्रसिद्ध है। नरसिंहपुर एक ज़िला है जबलपुर संभाग का, यहाँ का चौगढ़ किला, बरमान घाट नर्मदा नदी के किनारे, ज्योतेश्वर मंदिर, नरसिंह मंदिर जो कि जिला मुख्यालय नरसिंहपुर में है, और यह आचार्य रजनीश का जो है जन्मस्थली भी रही है नरसिंहपुर। फिर छिंदवाड़ा है
जो कि गोटेमार मेला भी यहाँ का प्रसिद्ध है, और देवगढ़ का जो किला है वह भी छिंदवाड़ा में स्थित है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। और पातालकोट जो कि भारिया अनुसूचित जनजाति जो कि प्रिमिटिव ट्राइब है उसके लिए प्रसिद्ध है पातालकोट क्षेत्र छिंदवाड़ा का। सिवनी जिला जो है यह भी जबलपुर डिवीज़न में है। और पेंच नेशनल पार्क जो है, पेंच राष्ट्रीय जो है उद्यान, वह भी सिवनी जिले में स्थित है। और डिंडोरी जो है वह भी जबलपुर डिवीज़न में है, जहाँ का फॉसिल नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। और कुरकुर मठ देवी मंदिर जो है वह भी डिंडोरी में स्थित है। और दगौना वाटरफॉल भी, यह भी डिंडोरी में है। फिर मंडला है जो जो कि कान्हा नेशनल पार्क के कारण प्रसिद्ध है और नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और जबलपुर डिवीज़न का, जबलपुर संभाग का एक महत्वपूर्ण जिला है। बालाघाट यह भी एक महत्वपूर्ण जिला है जबलपुर डिवीज़न का, और मैग्नीज के लिए और कॉपर के लिए, यानी तांबा के लिए और मैग्नीज के लिए बालाघाट प्रसिद्ध है। यानी खनिज साधन के रूप, जिले के रूप में बालाघाट की पहचान है। और यह, जैसा कि मैंने बताया, तांबा और मैग्नीज के खदानें यहाँ पर स्थित है बालाघाट में। फिर सागर डिवीज़न में, सागर एक जिला मुख्यालय भी है और डिवीज़न का हेडक्वार्टर भी है। और यहाँ का रहली का जो है सन टेम्पल एक काफ़ी प्रसिद्ध है। फिर राहतगढ़ वाटरफॉल भी, राहतगढ़ जलप्रपात भी सागर जिले में ही है। और राई डांस जो है, राई नृत्य जो कि राज्य का नृत्य है, इसका भी संबंध सागर जिले से है। और जो एरण का शिलालेख है, गुप्तकालीन समुद्रगुप्त से संबंधित एरण का शिलालेख, यह भी सागर जिले में है। दमोह एक जिला है जो कि सागर डिवीजन में, सागर संभाग में है। और यहाँ का जो कुंडलपुर जैन जो है स्थल, यह भी महत्वपूर्ण है। और जटाशंकर महादेव मंदिर भी ये दमोह में है, और सीमेंट फैक्ट्री भी दमोह जिले में स्थित है। फिर पन्ना जिला है जो कि सागर डिवीज़न में ही है, सागर संभाग में। और यहाँ का पन्ना नेशनल पार्क जो है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। और पांडव वाटरफॉल भी यहीं पर है। प्राणनाथ मंदिर तथा कई अन्य मंदिर भी पन्ना जिला मुख्यालय में स्थित है। और एकमात्र जो हीरा की खजाने हैं वो पन्ना जिले में ही है। छतरपुर एक जिला है सागर संभाग का। और खजुराहो की जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि विश्व विरासत सूची में भी चिन्हित है, खजुराहो, जो कि छतरपुर जिले में ही है। फिर टीकमगढ़ जिला है, और टीकमगढ़ जिले भी सागर संभाग में आता है। और यहाँ का जो है मोहनगढ़ इको टूरिज्म सेंटर, पंचमुखी राजा मंदिर इत्यादि, राम राजा मंदिर जो है ओरछा का, वो पहले टीकमगढ़ जिले में था, वर्तमान में निवाड़ी जिले में है। निवाड़ी जो है ये सबसे लास्ट 52वां जिला वाला मध्य प्रदेश का ये है। फिर नर्मदापुरम डिवीज़न है, नर्मदापुरम संभाग, जिसका मुख्यालय होशंगाबाद है। और नर्मदा हर्बल पार्क जो है ये होशंगाबाद में है। मड़ई टूरिज्म सेंटर भी, यह भी होशंगाबाद में है। सतपुड़ा नेशनल पार्क भी यहीं पर है। और राज्य का प्रसिद्ध और एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी जो है वह अभी होशंगाबाद जिले में है। फिर हरदा जिला है, और हरदा का जो है मकड़ई का किला प्रसिद्ध है। और कौरव पांडव मंदिर जो है वो भी हरदा जिले में है। और मुल्ला दो प्याजा का जो मकबरा है वह भी हरदा में है। सिद्धेश्वर मठ तथा कान्हा बाबा का मंदिर जो है यह भी हरदा जिले में है। बैतूल एक जिला है जो कि नर्मदापुरम संभाग में है। और बैतूल में मुक्तागिरी जैन टूरिस्ट सेंटर है, प्लेस है। और शेरगढ़ का किला है, और बालाजीपुरम टेम्पल भी यहाँ पर है। सालबर्डी का जो गुफा है वह भी बैतूल जिले में है। और बैतूल जिला महाराष्ट्र से लगा हुआ जिला है, महाराष्ट्र राज्य से, मध्य प्रदेश का। फिर शहडोल डिवीज़न है, जिसका मुख्यालय शहडोल है, और जिला मुख्यालय भी शहडोल है। बाणसागर का जो प्रसिद्ध डैम है वो भी शहडोल जिले में है। और विराटेश्वर मंदिर भी शहडोल में है।
और क्षीर सागर तथा कनकली देवी का मंदिर भी शहडोल में है। शहडोल से अलग होकर के एक जिला अनूपपुर बना था और अनूपपुर में ही अमरकंटक है और इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी यानी इंदिरा गांधी आदिम जाति विश्वविद्यालय भी अनूपपुर में है और नर्मदा कुंड, दूधधारा, सबरी माता मंदिर ये अनूपपुर में है और अमरकंटक जहाँ से नर्मदा नदी और सोन नदी निकलती है वह भी अनूपपुर जिले में स्थित है। फिर उमरिया जिला है और उमरिया जिला का सबसे महत्वपूर्ण स्थान बांधवगढ़ नेशनल पार्क है तथा बांधवगढ़ का किला है और जो विश्वनाथ मंदिर है बांधवगढ़ के अंदर नेशनल पार्क के अंदर वह भी प्रसिद्ध है और कबीर का गुफा और भगवान शिव का जो है सोई हुई मूर्ति ये भी यहाँ पर स्थित है। अब कुछ बात करें तो सबसे अधिक जो है डिवीज़न के रूप में जबलपुर, इंदौर और सागर है जो कि सबसे बड़ा यदि डिवीज़न करें तो पहला जबलपुर है, दूसरा इंदौर है और तीसरा सागर है और एरिया वाइज पहला जबलपुर, दूसरा इंदौर और तीसरा सागर है। और यदि हम छोटे डिवीज़न की बात करें संभाग की एरिया वाइज क्षेत्र वाइज तो शहडोल सबसे छोटा है, फिर चंबल संभाग है और फिर नर्मदापुरम संभाग है। और यदि जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर संभाग जो है सबसे बड़ा है, फिर जबलपुर संभाग है, फिर उज्जैन है। और यदि हम एरिया वाइज बात करें तो सबसे छोटा शहडोल, फिर नर्मदापुरम, फिर चंबल है। यदि हम मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था देखें तो प्रशासनिक व्यवस्था में जो है राज्य का शासन जो है वह राज्यपाल के नाम से चलता है यानी राज्य का जो मुखिया होते हैं स्टेट के वे राज्यपाल होते हैं और राज्यपाल जो है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो थे डॉक्टर बी पट्टा भी रमैया थे और वर्तमान राज्यपाल जो हैं श्री मंगू भाई सी पटेल हैं। फिर मध्य प्रदेश में जो शासन के मुखिया होते हैं वे मुख्यमंत्री होते हैं और प्रशासनिक मुखिया चीफ सेक्रेटरी होते हैं यानी प्रशासन जो होता है इस प्रशासनिक अधिकारी में बात करें तो सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी चीफ सेक्रेटरी होते हैं, मुख्य सचिव जिन्हें कहते हैं। फिर अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव स्तर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं जो मंत्रालय में बैठते हैं। फिर अपर सचिव और उप सचिव होते हैं और यदि हम बात करें तो HOD का ऑफिस होता है। यदि हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें नौकरशाही की तो नौकरशाही में सबसे बड़े अधिकारी मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी और जो कि मंत्रालय में बैठते हैं बल्लभ भवन में और उसके बाद अलग अलग विभागों के लिए ACS, PS या सेक्रेटरी होते हैं यानी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव स्तर के अधिकारी। फिर उनके अधीन अपर सचिव या उप सचिव होते हैं और यदि हम बात करें HOD ऑफिस में यानी विभागाध्यक्ष कार्यालय में तो वहाँ विभागाध्यक्ष भी होते हैं जो कि निदेशक आयुक्त के नाम से जाने जाते हैं। और मध्य प्रदेश में जैसा मैंने बताया कि प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के बाद जो प्रशासनिक इकाई है वो डिवीज़न होती है और डिवीज़न यानी संभाग और संभाग के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी को डिविजनल कमिश्नर यानी संभागीय आयुक्त कहते हैं। फिर एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू का भी पद होता है जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं डिवीज़न लेवल पर। फिर हम देखें तो IG या ADG स्तर के अधिकारी भी पुलिस विभाग में होते हैं और पुलिस का जोन होता है, पुलिस के जोन में जो हेड होते हैं वो IG होते हैं, IG या ADG होते हैं। फिर उनके नीचे DIG भी होते हैं, वो रेंज में होते हैं। और यदि संभाग की बात करें तो संभाग स्तर पर जो डिविजनल कमिश्नर का कार्यालय होता है वहाँ पर एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू भी होते हैं जो कि न्यायालयीन काम देखते हैं और डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू या डिप्टी या ज्वाइंट कमिश्नर डेवलपमेंट यानी विकास का भी पद होता है। यदि जिले की बात करें तो जिला में जैसा कि विदित है सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर होते हैं जो कि पदेन जिला दंडाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होते हैं। जिला स्तर पर पुलिस विभाग में SP होते हैं
जो कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी होते हैं, और जिला पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते हैं जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा या राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी या ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी जिला पंचायत में CO हो सकते हैं। फिर जिला स्तर पर कलेक्टर को सहयोग के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जिसमें एडिशनल कलेक्टर यानी अपर कलेक्टर जिन्हें कहते हैं, और जब वो दांडिक कार्य करते हैं तो उनको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। तो ये होते हैं। फिर सब डिवीज़न होते हैं जिसमें सब डिवीजनल ऑफिसर यानी उपखंड अधिकारी होते हैं, और जब वे दांडिक कार्य करते हैं तो उनको सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट यानी उपखंड दंडाधिकारी कहा जाता है। फिर जिला स्तर पर अलग अलग विभागों के लिए जिला अधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं, और उसमें समन्वय का कार्य जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा किया जाता है। इसीलिए जिला स्तर पर कलेक्टर को शासन का प्रतिनिधि भी माना गया है। फिर लोकल गवर्नमेंट की बात यदि मध्य प्रदेश में करें तो मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो कि 1993 में एक्ट पारित हुआ था, 1992 में और 93 में ये लागू हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में जो चुनाव है त्रिस्तरीय पंचायतों का वह अप्रैल 1994 में हुआ था, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव। और अब तक जैसा कि मैंने बताया था कि 5 बार चुनाव हो चुके हैं, ग्राम स्तरीय ग्रामीण जो है स्थानीय शासन के चुनाव जो हैं 5 बार मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। और इसी प्रकार यदि हम अर्बन बॉडी की बात करें यानी नगरीय क्षेत्रों में, तो नगर निगम जिसे हम नगर पालिक निगम भी कहते हैं और म्यूनिसिपल काउंसिल जो जिसको हम नगर पालिका कहते हैं और नगर परिषद ये जिसको कि पहले नगर पंचायत कहा जाता था, ये तीनों जो हैं बॉडी हैं और जिसमें 5 वर्ष के अंतराल में चुनाव होता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का यानी स्थानीय स्वशासन का मध्य प्रदेश में पुराना इतिहास रहा है, और जैसा कि विदित है कि मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के पहले भी पंचायतें अस्तित्व में थीं, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था मध्य प्रदेश में 1993-94 में लागू हुई, और जैसा कि मैंने बताया 5 बार मध्य प्रदेश में पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं और छठा चुनाव जो है वो ड्यू है। यदि कुछ और फैक्ट की बात करें तो स्थानीय सुशासन वो चोल शासकों की देन है जो कि दक्षिण भारत में थे, और बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा के आधार पर पहली बार 1957 में त्रिस्तरीय पंचायतों के संबंध में सुझाव दिया गया था, और 2 अक्टूबर 1959 को जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा नागौर जिला जो है राजस्थान का, वहाँ 2 अक्टूबर 1959 को जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। और मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था वह 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से अस्तित्व में आई, और 1993-94 में लागू हुई। चुनाव पहला 1994 में हुआ। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कुछ फैक्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो 73वां संविधान संशोधन एक्ट जो था अधिनियम 1992 में पारित हुआ था, और इसके जो अनुच्छेद है 243A और 243O इसमें जो संशोधन करके प्रावधान किया गया था, और पार्ट 9 यानी भाग 9 भारत के संविधान में जोड़ा गया था जिसमें 29 विषय सम्मिलित थे। इस प्रकार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में आई 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। फिर 74वां संविधान संशोधन भी अधिनियम जो था वह भी 1992 में अस्तित्व में आया। भारत के संसद ने 74वां संविधान संशोधन 1992 में पारित किया था, और इसके जो अनुच्छेद 243P और 243Z था उसमें संशोधन किया गया और भाग ए नया जोड़ा गया, और इसमें कुल 18 विषय थे। इस प्रकार नगरीय निकायों में भी त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू हुई। मध्य प्रदेश में जो है वर्तमान में कुल 18 नगर पालिक निगम है, कुल
कुछ और फैक्ट की यदि हम बात करें तो प्रथम म्यूनिसिपैलिटी मध्य प्रदेश में यानी प्रथम नगर पालिका ये जबलपुर में 1864 में बनी थी, और नगर निगम की बात करें यानी नगर पालिक निगम तो ग्वालियर मध्य प्रदेश का पहला स्थान था राज्य में जहाँ पर नगर पालिक निगम की स्थापना वर्ष 1887 में हुई थी, और मजलिसे इंतजामिया ये फर्स्ट अर्बन बॉडी मध्य प्रदेश की थी जो कि 1907 में अस्तित्व में आई थी। और यदि ज़िले की बात करें तो दतिया जो है वो पहला म्यूनिसिपैलिटी मध्य प्रदेश की थी जो कि स्वतंत्रता के बाद अस्तित्व में आई थी, दतिया म्यूनिसिपैलिटी दतिया नगर पालिका जो कि आज़ादी के बाद 1960 में अस्तित्व में आई थी। इस प्रकार आज के जो फैक्ट हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और मध्य प्रदेश में भी जैसा कि आपको विदित है कि राज्य के मुखिया जैसा कि मैंने बताया राज्यपाल होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और सामान्यतः राज्यपाल 5 वर्षों के लिए होते हैं और राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, और उन्हीं के नाम से राज्य का शासन चलता है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर वी पट्टा भी सीतारमैया थे, और वर्तमान राज्यपाल श्री मंगू भाई सिंह पटेल हैं। फिर यदि मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री जो थे पहले पंडित रविशंकर शुक्ल थे जो कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश जब गठन हुआ तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, और वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हैं, और सबसे अधिक मुख्यमंत्री रहने का भी श्रेय श्री शिवराज सिंह चौहान को है जो चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती रही हैं मध्य प्रदेश में, और सबसे कम दिन के लिए एक दिन के लिए मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह रहे हैं। वैसे भी मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं लेकिन एक अवधि में एक बार में वो एक दिन के लिए भी मुख्यमंत्री रहे थे, और श्री नरेश चंद ये भी 13 दिन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में रहे थे। मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि यहाँ पर भी वैसे ही व्यवस्था है जैसे देश में है, तो मध्य प्रदेश में राज्यपाल को सहयोग देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है जिसकी मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं, और राज्यपाल को कार्यपालिक शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और विशेष अधिकार इत्यादि प्राप्त हैं। और जहाँ तक प्रदेश का शासन की बात है वह मुख्यमंत्री के नाम से चलता है, और मुख्यमंत्री ही जो होते हैं शासन के महत्वपूर्ण जो होते हैं एक तरह से पदाधिकारी होते हैं, शासन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। और मध्य प्रदेश में जैसा कि हमने बताया कि मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, और मुख्यमंत्री का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वे राज्यपाल को जो होते हैं सहयोग देते हैं, यानी राज्यपाल को राज्य चलाने में प्रशासनिक सहयोग जो है मुख्यमंत्री देते हैं। वैसे राज्यपाल जो होते हैं वे संवैधानिक प्रमुख हैं लेकिन वास्तविक जो कार्यपालिका के मुखिया वे मुख्यमंत्री ही होते हैं, और मुख्यमंत्री जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद के मुखिया भी होते हैं। इस प्रकार मुख्यमंत्री की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो नियुक्तियाँ होती हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ जो राज्यपाल के द्वारा की जाती हैं उसमें भी मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और मुख्यमंत्री के सलाह पर ही राज्यपाल के द्वारा महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ जैसे जो लोकसभा आयोग के अध्यक्ष या जो सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है, या एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के सलाह पर ही की जाती है। अन्य जो महत्वपूर्ण पद हैं जिनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है उसमें भी मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब विधानसभा का सत्र चलता है तो शासन का पक्ष भी मुख्यमंत्री के द्वारा रखा जाता है। इस प्रकार शासन का प्रतिनिधित्व जो है और दल का मुखिया का प्रतिनिधित्व भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है विधानसभा में, यानी सदन के नेता के रूप में मुख्यमंत्री स्थापित हैं। और मध्य प्रदेश में भी देश की पूर्व भारत की संपूर्ण भारत की भांति यहाँ पर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू है। जैसा कि मैंने बताया कि 1957 में 1957 में पहली बार चुनाव हुआ था, निर्वाचन हुआ था, और अब तक मध्य प्रदेश में 15 बार चुनाव हो चुका है। और यदि मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की बात करें
तो मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार गिरी थी, तब जनता पार्टी की सरकार आई थी तब, दूसरा 1980 में और तीसरा 1992-93 में। तो इस प्रकार 3 बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सबसे लंबा जो राष्ट्रपति शासन रहा है 1992 वाला रहा है। मंत्रिपरिषद की यदि हम बात करें तो मंत्रियों की 3 श्रेणी होती हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री जो कि अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, फिर राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर। राज्य मंत्री मतलब स्टेट मिनिस्टर। राज्य मंत्री जो होते हैं कई बार वे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी होते हैं। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वे कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। कैबिनेट जो होता है उसकी बैठक जो होती है यानी मंत्रिमंडल की बैठक, उसके जो मुखिया होते हैं वो प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होती है और कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। फिर जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं वे भी मुख्यमंत्री के अनुमति से कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं, लेकिन उप मंत्री जो होते हैं वे कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते हैं और राज्य मंत्री भी भाग नहीं लेते हैं। राज्य मंत्री या उप मंत्री जो होते हैं वे अपने संबंधित विभाग के प्रशासनिक कार्यों को देखते हैं। विधानसभा का जब सत्र चलता है तो जो कानून होता है राज्य स्तर पर वह भी विधानसभा में पारित होता है और संबंधित विभाग जो है अपना जो विभागीय जो नीति बनाकर और विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यदि हम बात करें कि कानून जो है वो कैसे बनते हैं, तो कानून जो है विधानसभा से पारित होने के बाद जब राज्यपाल का इस पर हस्ताक्षर हो जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है, कानून का रूप ले लेता है। और यदि विधानसभा का सत्र नहीं चलता रहता है तो और कोई महत्वपूर्ण मुद्दा आता है जिसमें जो है कानून की आवश्यकता होती है, तो फिर राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करके जो है उसको कानून को रूप देते हैं और ये 6 सप्ताह के लिए अस्तित्व में रहता है, 6 सप्ताह तक लागू रहता है और फिर बाद में उसे विधानसभा से पारित कराना होता है। इस प्रकार राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कार्यपालिका के क्षेत्र में भी, विधायिका, न्यायपालिका और वित्तीय मामलों में भी। जो धन विधेयक होता है वह भी राज्यपाल की अनुमति के पश्चात ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और फिर विधानसभा अध्यक्ष का भी पद महत्वपूर्ण है और विधानसभा अध्यक्ष जो है वह विधानसभा में संचालन करते हैं और वहाँ पर रेगुलेशन जो बनाए रखने का कार्य जो है वह भी विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो पंडित कुंजीलाल दुबे ये मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम हैं। यदि हम मध्य प्रदेश में बात करें तो यहाँ भी जुडिशियरी का अस्तित्व है यानी न्यायपालिका, जिसमें हाई कोर्ट जो है एपेक्स कोर्ट है राज्य स्तर पर। और यदि हम मुख्य जिसके प्रिंसिपल बेंच की बात करें तो जबलपुर में, यानी हाई कोर्ट का जो मुख्य बेंच है वो जबलपुर में है और उसकी 2 ब्रांचेज हैं, एक इंदौर में और दूसरी ग्वालियर में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भी जो कि जबलपुर में है वह 1 नवंबर 1956 को ही अस्तित्व में आया था, उसके पहले हाई कोर्ट नागपुर में स्थापित थी, नागपुर में लगती थी। इस प्रकार मध्य प्रदेश भी जो है उसके काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट रहे हैं जो कि उपयोगी है। यदि परीक्षा की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश में जो है शासन और प्रशासन का जो तंत्र है वह लगभग वैसा ही है जैसा देश में है, लेकिन इससे संबंधी जो फैक्ट हैं वह जान लेना जरूरी है जो कि प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी उपयोगी होता है। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश जो है एक तो राज्य स्तर पर उसकी संरचना हमने देख लिया, और जो यदि हम बल्लभ भवन की बात करें यानी जो मंत्रालय है जिसमें नीतियों को बनाया जाता है, तो यह महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बिंदु है और यहीं पर जो है सभी मंत्रीगण के साथ ही मुख्यमंत्री जी भी यहीं बैठते हैं, वल्लभ भवन में ही बैठते हैं मुख्यमंत्री जी भी और सभी मंत्रीगण भी यहीं बैठते हैं। और प्रशासनिक दृष्टि से जो ब्यूरोक्रेसी के हेड हैं
चीफ सेक्रेटरी, वो भी यहीं बैठते हैं, और विभाग के जो प्रशासनिक जो होते हैं अधिकारी मुख्य रूप से, जो कि अपने विभाग के मंत्री को सहयोग देते हैं, जिससे कि मैंने बताया कि अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव, वह भी मंत्रालय में बैठते हैं और मंत्रालय से ही नीति निर्धारण का कार्य होता है। और जो विभागाध्यक्ष का कार्यालय होता है वह क्रियान्वयन करता है, यानी नीतियाँ जो बनाई जाती हैं मंत्रालय स्तर पर, उसका जो है फील्ड में क्रियान्वयन में पर्यवेक्षण करने का कार्य जो है वह HOD ऑफिस से होता है, यानी विभागाध्यक्ष के स्तर से होता है। और जो एग्जीक्यूशन है वो जिला और संभाग स्तर से होता है, मुख्य रूप से जिला स्तर से होता है। इसलिए प्रशासनिक इकाई में राज्य के बाद जो है वह फिर संभाग का स्थान है, और फिर संभाग के बाद जिला। लेकिन फंक्शनल यूनिट की बात करें, यानी क्रियाशील इकाई, प्रशासनिक इकाई की बात करें, तो जिला इसमें महत्वपूर्ण है, जिसमें जिला कलेक्टर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जो कि जिले में प्रशासन के आँख, नाक और कान माने जाते हैं, और वे शासन के प्रतिनिधि भी होते हैं जिला स्तर पर। संभागीय आयुक्त जो होते हैं वो संभाग लेवल पर शासन के प्रतिनिधि होते हैं। और इसी प्रकार जैसा कि मैंने बताया कि पुलिस के भी वरिष्ठ अधिकारी होते हैं डिवीजन लेवल पर, जिसे हम जोन कहते हैं, जिसमें IG जोन में होते हैं और DIG रेंज में होते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 11 पुलिस के जोन और 15 जो है रेंज है। फिर वन वृत्त भी है, जिसमें CCF या CF स्तर के भारतीय वन सेवा के अधिकारी होते हैं, और फिर जिला स्तर पर भारतीय वन सेवा के अधिकारी होते हैं, वे वन मंडला अधिकारी यानी DFO होते हैं। तो इस प्रकार वन विभाग भी, इसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। और कई नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में हैं, सेंचुरीज हैं, जिसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। तो इस प्रकार भारतीय वन सेवा के अधिकारी भी वृत्त स्तर पर और जिला स्तर पर पदस्थ होते हैं। फिर वन विभाग के नीचे जो होता है वह वन का जो सब डिवीज़न भी होता है वन विभाग का, फिर रेंज होता है, और फिर उससे नीचे जो होती हैं जो है वन की जो है यूनिट्स, छोटी यूनिट होती है ग्राम स्तर पर। तो इस प्रकार जो होती है, हर एक विभागों की एक अपनी हायरार्की है, और उसमें जिला अधिकारी पदस्थ होते हैं जिले स्तर पर, और संभाग स्तर पर विभाग के संभागीय प्रमुख होते हैं, जिसमें ज्वाइंट डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर रैंक के अधिकारी पदस्थ होते हैं। जिला स्तर पर जो अधिकारी होते हैं वे कलेक्टर को रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि कलेक्टर समन्वय का कार्य करते हैं जिला स्तर पर। पुलिस की बात करें तो पुलिस में SP जो होते हैं जिला स्तर पर जो है नोडल अधिकारी होते हैं, और PHQ को रिपोर्ट करते हैं। DGP और अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं पुलिस विभाग के, उनको रिपोर्ट करते हैं, और वे प्रशासनिक दृष्टि से जो होते हैं PHQ के अंडर तो होते ही हैं, पुलिस मुख्यालय के में जो DGP होते हैं उनके, फिर वह गृह विभाग जो होता है जो कि मंत्रालय में लगता है उसके अधीन भी होते हैं वे। फिर अन्य विभागों के जिलाधिकारी होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, जो अपने विभागों के जो नीतियाँ होती हैं और योजना और कार्यक्रम होता है, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम होता है, उसका फील्ड स्तर पर एग्जीक्यूशन करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, जिसका पर्यवेक्षण जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार जिला जो है वो सबसे प्रमुख प्रशासनिक इकाई है शासन की। फिर सब डिवीज़न और तहसील होता है, और केंद्रीय यूनिट के रूप में मैंने बताया कि ब्लॉक भी होता है, वह भी एक फंक्शनल यूनिट है जिसे हम जनपद पंचायत कहते हैं, जिसके हेड जो होते हैं वह CEO जनपद पंचायत होते हैं। फिर ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज की सबसे इकाई, छोटी इकाई के रूप में ग्राम पंचायतें हैं, फिर ग्राम होता है। तो इस प्रकार राजस्व जिले के रूप में जिला है, होता है, फिर पुलिस जिला भी होता है जिसमें SP पदस्थ होते हैं, और अन्य जो जिलाधिकारी होते हैं वे भी जिले में पदस्थापना होती है। फिर सब डिवीज़न भी एक इकाई है, हालांकि उतना फंक्शनल इकाई सब डिवीज़न यानी उपखंड नहीं है फिर, लेकिन सब डिविजनल ऑफिसर या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। और इसी प्रकार सब डिविजनल लेवल पर अन्य विभागों के भी अधिकारी पदस्थ रहते हैं। फिर तहसील स्तर पर और ग्राम स्तर पर भी विभिन्न विभागों के
कर्मचारियों की पदस्थापना होती है। इस प्रकार शासन की एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था है जो कि संचालित होती है शासन स्तर से और मंत्रालय स्तर से उसका पर्यवेक्षण किया जाता है, सुपरविजन किया जाता है, और HOD ऑफिस से भी उसका पर्यवेक्षण होता है, सुपरविजन होता है। तो इस प्रकार जो है आज हमने प्रशासनिक व्यवस्था जो है मध्य प्रदेश में उसकी चर्चा किया, जो कि लर्नर्स के लिए और विशेष करके MPPSC देने वाले, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी उपयोगी होगा ऐसा मैं मान रहा हूँ। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।